यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, टोल टैक्स और बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी का तोहफा जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने जा रहा है। यह कहना है शिवसेना बाला साहिब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी का। शिवसेना नेताओं ने शिवसेना भवन जम्मू में आज बिजली बिल में बढ़ोतरी की योजना पर कड़ा विरोध जताते हुए इस ठंडे बस्ते में डालने की मांग की है। मशीन साहनी ने कहा कि अपने संबोधन में केंद्र सरकार के रवैये से जम्मू की जनता यह सोचने पर मजबूर हो रही है कि शायद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा ही जनता के लिए बेहतर था। मशीन साहनी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोग भारी मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह टोल टैक्स, यातायात नियमों पर भारी भरकम जुर्माना और बिजली बिल बिलों में करीब कई प्रतिशत के इजाफे की तैयारी आम जनता विशेष पर मंदी की मार सह रही है, औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़ने पर रख देंगी। मशीन साहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जम्मू कश्मीर राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक के बिजली बिल बढ़ोतरी की योजना को ठंडे बस्ते में डालने की मांग करते हुए कहा कि जनता के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। साहनी ने चेतावनी भरी लफ्जे में कहा कि जनता को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर ना करे सरकार। वहीं साहनी ने ही शिवसेना भवन में आज चौथे दिन में कई रुपए साहिब खाना जारी रखा, जिसमें कि साहनी ने जम्मू वासियों से बढ़ चढ़ कर इस योजना पर सहयोग की अपील की। साहनी ने बताया कि इस योजना के तहत रोजाना कई लोगों को मात्र कुछ ही रुपयों में भरपेट भोजन मिल रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष महिला इकाई मीनाक्षी छिब्बर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह, महासचिव विकास बख्शी, सचिव राज सिंह, बलवंत सिंह, संजीव सुदन, स्नेहा कौर, राजेश हांडा, चंपा देवी, ऋतु हांडा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ।